गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, आपके इंग्लिश प्रोज ए गर्ल विद द बास्केट में जो वोकैबुलरी दी गई है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। बेटा ये सेकंड पेपर का है, सेकंड पेपर में इडियम और फ्रेज आएगा, ठीक ना। इडियम और फ्रेज में इस प्रकार के एक्सप्रेशन पूछे जाते, क्योंकि कह रहे हैं यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यूज माने प्रयोग करो, द फॉलोइंग माने नीचे दिए गए, एक्सप्रेशन माने भाव को, इन योर ओन सेंटेंस अपने सेंटेंस में, सो एज टू मेक माने बनाने के लिए, डिफरेंस माने भिन्न भिन्न, बिटवीन दियर मीनिंग क्लियर, उनके अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्हें अपने शब्दों में प्रयोग करिए। जैसे बेटा दिया गया है टू पुल अप, ठीक ना, टू पुल डाउन, टू पुल विद, तीनों में देखिए पुल है लेकिन यहां अप है, यहां डाउन है, यहां विद है, ठीक ना। तो पुल अप का मतलब फटकारना, पुल अप का मतलब फटकारना, आपको याद करना पड़ेगा, पुल अप मीन्स फटकारना। द प्रिंसिपल पुल्ड अप द बॉय, प्रधानाचार्य ने लड़के को फटकारा। टू पुल डाउन माने गिराना, ही पुल्ड डाउन हिज हाउस, उसने अपना घर गिरा दिया। टू पुल विद, स्थिति सुधारना, He pulled with the condition of his sister, उसने अपने बहन की दशा को सुधारा। To make up माने कमी को पूरा करना, Now make up all your loss, अब अपने पूरे नुकसान को पूरा कर लो। To make out में समझ लेना, They made out the matter, उन्होंने matter को समझा। To make far, He made far his aim, He made far माने आगे बढ़ना, He made far his aim, वह अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ा, वह अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ा, ठीक है बेटा ना। आइए इसमें से और शेष बचे हुए हम लोग करते हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और याद करते रहिए, क्योंकि आपकी ड्यूटी है तैयार करना और हमारा कर्तव्य है आपको पढ़ाना। अभी इसमें शेष और बचे हुए हैं, जब आप अपनी किताब खोलेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिए। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, इसमें और बचा हुआ है आपका, जैसे थर्ड में है टू रन डाउन, टू रन डाउन। तो बेटा टू रन डाउन का मतलब होता है कमजोर हो जाना, कमजोर हो जाना, ठीक ना। तो हम लोग इसे अपने शब्दों में प्रयोग करें, माई फ्रेंड रन डाउन Due to overwork, अत्यधिक काम करने से मेरा मित्र कमजोर हो गया, अत्यधिक काम करने से मेरा मित्र कमजोर हो गया। To run down means कमजोर हो जाना। बेटा अगला है आपका to run out, ठीक ना, टू रन आउट। टू रन आउट माने समाप्त हो जाना, टू रन आउट माने बेटा समाप्त हो जाना, ठीक ना। ही रन आउट हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया। अगला है बेटा, नोट करते चलिएगा, टू रन ऑफ, ठीक ना। तो टू रन ऑफ में होता है भाग जाना, ऑल द स्टूडेंट्स रन ऑफ फ्रॉम द क्लास,
कक्षा से सारे बच्चे सारे छात्र भाग गए। रैन आत्मा ने भाग जाना, ठीक है ना बेटा। अब इसमें चौथा में देख लीजिए, चौथे में ए देखिए, टू कॉल अपान माने होता है मिलने जाना। जैसे ही कॉल्ड अपान हिज ब्रदर, वह अपने भाई से मिलने के लिए गया। टू कॉल अपान माने मिलने जाना, वह अपने भाई से मिलने के लिए गया। बेटा टू कॉल आउट तो टू कॉल आउट मीन्स होता है जोर से पुकारना, ठीक ना। द टीचर कॉल्ड आउट द स्टूडेंट, शिक्षक ने छात्र को जोर से पुकारा। अगला है बेटा टू कॉल ऑफ OFF बेटा। टू कॉल ऑफ माने होता है समाप्त करना। ही कॉल्ड ऑफ हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर दिया। आप इसको नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ें। चलिए मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वोकैबुलरी के शेष एक्सरसाइज के साथ हम आगे बढ़ते हुए बेटा ये वोकैबुलरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप तैयार करेंगे तो बहुत सारा तैयार हो जाएगा और आपके पेपर में लगभग 13-14 नंबर की वोकैबुलरी और ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अगला है बेटा। आप अपनी ग्रामर की बुक में होमोफोन्स पढ़ते हैं, लेकिन इसमें निर्देश लिखेगा तो एक था, ये दूसरा है बेटा। Use the following pair of words in your own sentence to make their meaning clear, so as to make their meaning clear, ठीक ना। यूज माने प्रयोग करिए द फॉलोइंग नीचे दिए गए पेयर ऑफ वर्ड, शब्द के जोड़ों को इन योर ओन सेंटेंस, अपने स्वयं के सेंटेंस में, सो एज जैसा कि टू मेक करते हुए दियर मीनिंग उनके अर्थ को क्लियर माने स्पष्ट। बेटा उनके अर्थ को स्पष्ट करते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग करिए। जैसे पहला है बेटा, पहला है WINE और फिन दिया है WINE, दोनों का प्रोनंसिएशन एक हो रहा वाइन और वाइन, लेकिन मीनिंग अलग है, इसे होमोफोन्स कहा जाता है। तो आप यहां पर WINE माने शराब होता है और VINE मीन्स लता होती है या अंगूर की लता, ठीक बेटा ना।
तो हम इसको प्रयोग कर ले अपने शब्दों में, वाइन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, वाइन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, बेटा जो वाइन है वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक ना। दिस इज ए ब्यूटिफुल वाइन, दिस इज ए ब्यूटिफुल वाइन, ये बड़ी सुंदर लता है। इसी में बेटा हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं दूसरा, दूसरा है लॉस, लॉस एल ओ एस ई, एल ओ डबल ओ एस ई। अब आपको स्पष्ट हो गया कि किसका क्या माने है बेटा। लॉस माने होता है खो देना या खोना, और लूज माने होता है ढीला करना। क्या हुआ? ढीला करना, ठीक ना। खोना जैसे ही लॉस्ट हिज न्यू पेन, आ गया ना। डोंट लूज द काउ, गाय को ढीला मत करो। थर्ड वर्ड है बेटा देखिए, प्लेन और प्लेन, पी एल ए आई एन, पी एल ए एन ई, दोनों का उच्चारण ठीक है, लेकिन प्लेन माने होता है समतल, समतल मैदान, ठीक है, और प्लेन माने होता है हवाई जहाज, हवाई जहाज। क्लियर भैया? तो द प्लेन ऑफ गंगा, द प्लेन ऑफ द गंगा इज ब्रॉड, द प्लेन फ्लू ओवर आवर हेड, बेटा जो प्लेन है वो हमारे हेड के ऊपर से उड़ी, ठीक ना। प्लेन हमारे हेड के ऊपर से उड़ी, और इसमें भी बचा हुआ है दो बेटा, इसलिए हम मिटाते हुए चलेंगे, और आप लोग नोट करते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा पूरे जीवन के लिए, ना कि केवल परीक्षा पास करने के लिए। इसलिए आप वोकैबुलरी को खूब अच्छी तरह से कंटेस्ट करते चले बेटा। दिया गया है अगला और चौथा, फिट एफ डबल ई टी, और दूसरा फिट है एफ ई ए टी। बेटा फिट माने पैर, फुट का पैर, फुट का प्लूरल है, और फिट का मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है ना। हिज फिट आर वीक, उसके पैर कमजोर हैं। ही शोड ए गुड फिट, उसने एक अच्छा कर्तव्य दिखाया। अगला है बेटा आपका पांचवा, रूट आर डबल ओ टी, आर ओ यू टी, आप जान गए होंगे इस रूट का मतलब होता है जड़, और इस रूट का मतलब होता है मार्ग या रास्ता, ठीक है ना, मार्ग या रास्ता। देखिएगा द रूट ऑफ दिस ट्री इज स्ट्रांग, दिस रूट गोज टू मुंबई। बेटा इस प्रकार से आपको मीनिंग एकदम स्पष्ट करते हुए
भाव को प्रकट करना है, जैसे ध्यान ए देना, फिट का उच्चारण इसका होगा, फिट का उच्चारण इसका होगा, लेकिन स्पेलिंग है एफ डबल ई टी और इसकी स्पेलिंग है एफ ई ए टी, ठीक ना। रूट रूट दोनों होगा, आर डबल ओ टी रूट माने जड़ होता है, आर ओ यू टी रूट माने रास्ता होता है, ठीक है ना। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी इसमें शेष बची हुई वोकैबुलरी को करना है हम लोगों को, ताकि हम आगे के लेसन की एक्सरसाइज को प्रारंभ कर सकें। हाँ तो बेटा बिटा दें, आइए थर्ड क्वेश्चन नोट करिएगा। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑफ द वर्ड्स। बेटा जैसे वर्ड्स हैं आस्क, फिर आपको वर्ड्स दिया गया जंगल, फिर आपको वर्ड दिया गया है सेक्रेड, फिर आपको वर्ड दिया गया है शाउटिंग, फिर आपको वर्ड दिया गया है पेशेंट, फिर आपका वर्ड दिया गया है एनुअल, फिर आपको वर्ड दिया गया हार्ड, फिर आपका वर्ड दिया गया वेट, फिर आपका वर्ड दिया गया बाट, फिर आपका वर्ड दिया गया है इंडिपेंडेंस। ये शब्द हैं जिसके बेटा आपको सिनोनिम लिखना है, पर्यायवाची लिखना है, तो आप तो जानते हैं बेटा आस्क मींस होता है पूछना, तो इंक्वायर आई एन क्यू यू आई आर ई। बेटा जंगल एक हिंदी शब्द है, इसका होगा फॉरेस्ट, ठीक ना। सेक्रेट माने गुप्त, सॉरी सीक्रेट माने रहस्य गुप्त, और सीक्रेट माने पवित्र, तो होली होगा या पायस, पी आई ओ यू एस पायस, ठीक भैया। शाउटिंग माने पुकारना, कॉलिंग। पेशेंट माने किसान, फार्मर्स। एनुअल माने वार्षिक, ईयरली। हार्ड माने कठोर, स्ट्रेंथ। बेटा स्ट्रेंथ माने हार्ड। बेग्ड माने निवेदन करना, इम्प्लोर्ड माने निवेदन करना, बाट माने खरीदना, परचेज। परचेज्ड बेटा इंडिपेंडेंस मींस स्वतंत्रता, फ्रीडम मींस स्वतंत्रता, ठीक है ना। एक और बचा आपका सिनोनिम के साथ एंटोनिम्स, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा स्क्रीन शॉट लेते हुए। बेटा आपका अगला क्वेश्चन होगा फोर, गिव द एंटोनिम्स एंटोनिम्स। वर्ड लिखते हैं हम लोग,
क्लोज. दूसरा वर्ड है अपोजिट. तीसरा वर्ड है लूज. चौथा वर्ड है मेजर. पांचवा वर्ड है रिचेस्ट. छठवां वर्ड है अनब्रोकन. अगला है गिदर्ड. बेटा अगला वर्ड है अनस्किल्ड. अगला वर्ड है आपका कंप्लीटली. अगला वर्ड है आपका ऑफेंस. और अगला वर्ड है अनएजुकेटेड. ये बेटा वर्ड है. तो बेटा जब क्लोज है तो ओपन हो जाएगा, क्योंकि क्लोज माने बंद, ओपन माने खुला हुआ. अब बेटा अपोजिट मतलब विरोध में, फेवर में. फेवरेबल पक्षीय. बेटा लूज माने ढीला करना, टाइट. टाइट माने तंग. मेजर मींस भारी, माइनर माने छोटा. रिचेस्ट माने धनी. पुअरेस्ट माने कमजोर. बेटा ब्रोकन है, अनब्रोकन है तो ब्रोकन हो जाएगा, अन निकाल दीजिए. गेदर्ड है तो स्केटर्ड हो जाएगा. अनस्किल्ड है तो अन हटा दीजिए, स्किल्ड हो जाएगा. कंप्लीटली है बेटा तो इनकम्प्लीट. ऑफेंस है तो डिफेंस हो जाएगा. और अनएजुकेटेड है तो एजुकेटेड हो जाएगा. ठीक है ना बेटा. इस प्रकार से एक गर्ल विथ बास्केट की पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया. अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज लेकर के मिलेंगे FLO ट्रैवलर. ठीक है ना. तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो. बेटा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने मित्रों में शेयर जरूर करना, और नए बच्चे सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को Learn English with Vijay Sharma.